विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के डीएम और डीटीसी को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के प्रयासों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है। पटना महानगरीय प्राधिकरण जल्द पूरी तरह से होगा सक्रिय। अब महानगरीय क्षेत्र के दायरे में आने वाले किसी भी संरचना पर 1% लगेगा शुल्क। बिहार में जन्मजात मूक बधिर बच्चों का अब निःशुल्क इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की जाने वाली नई योजना के तहत इनका कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी निःशुल्क किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के फॉर्म 9 सितंबर तक भरे जाएंगे। नवादा जिले के मुफसिल थाना के पनशाला गांव में आपसी विवाद में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में 4 लोग गिरफ्तार। पटना में पिछले 24 घंटे के अंदर डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में पिछले वर्ष डेंगू से प्रभावित कई मोहल्लों में इस बार भी जल जमाव की स्थिति है। बिहार में अब तक सामान्य से 27% कम बारिश हुई है। प्रदेश के सिर्फ 2 जिले भागलपुर और अररिया में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में बारिश को लेकर अनुकूल स्थिति नहीं बन पाने के कारण 31 अगस्त तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। तैतीसवीं बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मुंगेर राइफल एसोसिएशन के बेहतर प्रदर्शन पर जिलाधिकारी ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को किया सम्मानित। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है।